श्रावण मास का चौथा व अंतिम सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए पाए गए। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए, फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालु ने दर्शन लाभ लिए। इस दौरान कवि कुमार विश्वास भी सपरिवार बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और पत्नी व बच्चों के साथ बाबा महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया गया। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। आज ये सौभाग्य मुझे भी मिला है और मैं अपने परिवार के साथ सावन के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने आया हूँ। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि सावन का अंतिम सोमवार होने के साथ साथ एकादशी का पर्व भी है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जब सावन में महाकाल के दर्शन हो और पुण्य फलित होता है कि सोमवार में सुबह सुबह भस्म आरती में दर्शन हो और पुण्य फलित होता है कि एकादशी हो, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा पुण्यों का एक समूह इकट्ठा हुआ है जो आज मेरी दोनों पुत्रियां, मेरी पत्नी, हमने सपरिवार भगवान महाकाल के दर्शन किए हैं और आद्योपरांत अब रुद्राभिषेक है। तो उज्जैनी तो ऊर्ध्वगामिनी विजय यात्रा है। तो कोरोना के बाद काल के देवता के चरणों में पूरी प्रकृति की ओर से मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर माँ पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। वहीं भगवान को वस्त्र भी धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाए गए। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाथ के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह व आनंद का माहौल छाया रहा। विशेष तौर पर चार सोमवार इस मास में, इस महीने में आए हैं, आज उसका अंतिम सोमवार है और इस कारण से विशेष तौर पर भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना भस्म आरती में की गई। भस्म आरती भी दिव्यता से भगवान की जो परंपरा है उसी परंपरा अनुसार भस्म आरती संपन्न हुई। भक्तों ने उसका दर्शन लाभ लिया। आज उत्साह अधिक है क्योंकि ये श्रावण मास आज अंतिम माह एक तरह से है। वैसे रक्षाबंधन के दिन ही श्रावण का समापन है, लेकिन सोमवार का समापन आज हो रहा है। इस कारण से भक्तों में विशेष उत्साह और उमंग है।